एक गांव में एक कंजूस रहता था। वह इतना कंजूस था कि जब भोजन करता तब दरवाजा बंद कर देता। उसे भय रहता कि यदि मैंने दरवाजा खुला रखा और कोई आ गया तो उसे भी भोजन देना पड़ जाएगा। मगर वह एक दिन दरवाजा बंद करना भूल गया। अभी वह निवाला मुंह में डालने ही वाला था कि एक साधु आ धमका। उसने कहा, बेटा एक रोटी तो दो। कंजूस भोजन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसने साधु को टालने की कोशिश की मगर साधु अडिग रहा। साधु को अटल देखकर कंजूस ने सोचा, इस बला को कुछ ना कुछ देकर टालना ही होगा। उसने आधी रोटी साधु को देनी चाहिए मगर साधु ने अस्वीकार कर दिया। कहा, मैं तो पूरी एक रोटी ही लूंगा। लेकिन कंजूस ने ना ही पूरी रोटी दी और ना साधु ने आधी रोटी ली। कंजूस ने भोजन किया और अपने काम में चला गया। शाम को लौटा तो कंजूस ने साधु को दरवाजे पर ही बैठा पाया। उसने एक रोटी उसकी ओर बढ़ाई और कहा, लो बाबा एक ही रोटी ले लो। अब एक नहीं मुझे दो रोटियां चाहिए क्योंकि अब भोजन का दूसरा समय है। साधु ने कहा, एक रोटी लेनी है तो लो। कंजूस ने अकड़कर कहा। ना कंजूस ने दो रोटियां दी और ना ही साधु ने एक रोटी ली। कंजूस खाया पिया और दरवाजे भिड़ा कर सो गया। प्रातः उठा तब भी वह साधु को दरवाजे पर ही पाया। अब तो कंजूस घबरा गया। वह सोचने लगा, यदि वह भूखा मर गया तो मैं जबरदस्ती फंस जाऊंगा। उसने साधु को दो रोटियां देनी चाहिए मगर साधु ने कहा, ये भोजन का तीसरा समय है, मुझे तो अब तीन रोटियां ही चाहिए। मगर पूर्व की प्रक्रिया पुनः दोहराई गई, अर्थात नहीं कंजूस ने तीन रोटी देना स्वीकारा और ना ही साधु ने दो रोटियां लेना स्वीकारा। इसी तरह चार दिन बीत गए। साधु चार दिनों तक भूखा रहा तो उसके शरीर में परिवर्तन आना ही था। वह मरने लायक दिखने लगा था। अब तो कंजूस का घबराना और भी स्वाभाविक था। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपको जितनी रोटियां चाहिए ले लीजिए मगर यहाँ से तो चले जाइए। अब रोटी से काम नहीं चलेगा। अब तो मैं यहाँ से तभी हटूंगा जब तुम मेरे साथ एक कुआं खुदवाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं? पता है एक कुआं खुदवाने में कितना खर्च आता है? मैं कुआं नहीं खुदवा सकता। कंजूस ने कहा, तो ठीक है मैं भी यहाँ से नहीं हटने वाला। कंजूस अपने कार्य में चला गया मगर उसकी बुद्धि रह रहकर साधु की ओर दौड़ रही थी। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह लौट आया, साधु से कहा, चलो मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, अब तो रोटियां खा लो। अब एक कुएं से काम नहीं चलेगा। तो कंजूस हड़बड़ाया, अब तो तुम्हें दो कुआं खुदवाना होगा, एक मेरे नाम का और दूसरा तुम्हारे नाम का। कंजूस ने साधु की शर्त अस्वीकार कर देना चाहा, मगर तभी उसने विचार किया कि यदि मैं स्वीकारा और जितनी बार अस्वीकारता गया उतनी बार कुएं की संख्या बढ़ती गई तो नहीं नहीं मुझे हाँ कर देना चाहिए। और इस तरह कंजूस दो कुएं खुदवाने को तैयार हो गया। कुछ दिन बाद दोनों कुएं बन गए तो साधु ने कहा, मैं एक वर्ष बाद फिर वापस आऊंगा। तब यदि मेरे कुएं का पानी तुम्हारे कुएं के पानी से कम रहा तो मैं तीसरा कुआं खुदवा लूंगा। इतने कहकर साधु चला गया। कंजूस ने सोचा, साधु जिद्दी है, मुझे एक काम करना चाहिए। मैं अपना कुआं खुला छोड़ देता हूँ, साधु के कुएं को बंद कर देता हूँ। लोग मेरे कुएं से पानी निकालेंगे और साधु का कुआं सुरक्षित रहेगा। इससे निश्चय ही मेरे कुएं का पानी कम होगा और साधु के कुएं का पानी ज्यों का त्यों बना रहेगा। कंजूस ने ऐसा ही किया। एक वर्ष बाद साधु पुनः आया। उसे देख कंजूस ने गर्व से कहा, आप अपने कुएं और मेरे कुएं के पानी का नाप लीजिए, मेरे कुएं में आपके कुएं से कम पानी है। साधु कंजूस के साथ कुएं के पास गया और कहा, लो नापो। कंजूस ने दोनों कुओं का पानी नापा। नाप होते ही कंजूस हड़बड़ा गया। उसे साधु की शर्त याद आई। उसने कहा, मुझसे आप जो भी सौगंध ले ली मैं तैयार हूँ। मैंने आपके कुएं का पानी किसी को भरने नहीं दिया था जबकि मेरे कुएं से लोग कई गुनी पानी ले जाते थे, पर फिर भी मेरे कुएं में अधिक व आपके कुएं में कम पानी कैसे हुआ यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। साधु मुस्कुराया फिर कहने लगा, थोड़ा गहराई से सोचो तो समझ आ जाएगा।
कंजूस सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसने उत्तर पा ही लिया। कहा, मुझे अब समझ में आ गया। क्या? साधु ने पूछा। मैंने आपके कुएं को बंद रखा, उसमें से किसी को बूंद भर भी पानी नहीं ले जाने दिया, और फिर भी उसका पानी घट गया, जबकि मैंने अपने कुएं का पानी सबको ले जाने दिया, फिर भी बढ़ा रहा। अर्थात दान करने से धन नहीं घटता, अपितु तिजोरी में बंद रखने से धन घट जाता है। आपने मेरी ज्ञान चक्षु खोल दिए। उस दिन से कंजूस को लोग दानी नाम से जानने लगे।